आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। आप हमें महल के पीछे के दरवाजे से ले चली जी। जल्द सुबह जयचंद को आप ये बताएंगी कि आप चमकी की नानी के घर पर थी। आप कहाँ गई, क्यों गई थी, ये हम आपसे बाद में पूछेंगे।
सैनिकों पकड़ लो इन सबको, कोई जाने ना पाए। इनमें से कोई एक भी बच के जाने ना पाए। सहयोगिता, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। वो पिताजी, चमकी की नानी की तबीयत बहुत खराब थी तो हम उनसे मिलने उनके घर गए थे। किससे पूछकर? हम दासियों को बताकर गए थे। वो आपसे कहना भूल गई होगी। उन्हें बताने से क्या होता है? क्या आप ये भी भूल गई कि इस महल में आपकी माँ और दादी भी रहती हैं? सहयोगिता, आज के बाद आपका इस महल से बाहर जाना बंद। आप जानती हैं ना, हम आपसे कितना प्यार करते हैं। आपने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए पिताजी, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए। कल सुबह हम तुम्हें पढ़ाई के लिए मदन ब्राह्मिनी जी के पास भेज रहे हैं। अब तुम वहीं रहकर एक राजकुमारी बनने के तौर तरीके सीखोगी। ऐसा मत कीजिए पिताजी, हम राजमहल के बाहर पैर भी नहीं रखेंगे, पर हमें आप सबसे दूर मत भेजिए। भेजना तो हम भी नहीं चाहते, पर हमें लगता है कि वो वक्त अब आ गया है। जाइए, निकलने की तैयारियां कीजिए, हम खुद आपको छोड़ने चलेंगे। और आप जब भी चाहें हम सबसे मिलने आ सकती हैं। बता महाराज के सामने अपनी असलियत। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें यहाँ किसने भेजा? महाराज भीमदेव ने। ये सब उन्हीं की चाल थी, पुष्कर में वाप को मारकर यहाँ अजमेर में महारानी का अपहरण करके वो अजमेर के सिंहासन पे कब्जा करना चाहते थे। भीमदेव,
भीमदेव की इतनी हिम्मत, उसने अजमेर के सिंहासन की ओर आंख उठाकर देखा। मेरा एक संदेश भीमदेव के पास भेजो, उससे कहो कि पृथ्वीराज चौहान आ रहा है और वो उसकी तरफ पीठ पीछे नहीं सामने से वार करेगा। ले जाओ उसे। टाना सेना तैयार करो, कल सुबह होते ही हमें युद्ध के लिए निकलना है। बेटा चलो अंदर चल के थोड़ी देर आराम करो, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। बाद वैसे तक गुजरात पर हमला कर दूंगा। मैं इस महल में तब वापस पांव रखूंगा जब मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। नहीं मां, जब तक मैं भीमदेव से पिताजी की मौत का बदला नहीं ले लेता मैं वापस महल में पांव नहीं रखूंगा। पर बेटा ये तो कोई मां, जब तक मैं अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो जाता मैं यही महल के बाहर रहूंगा। पर बेटे मां मुझे आशीर्वाद दो कि मैं विजयी होकर लौटूं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।